बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग अक्रूड एक्सपेंस पे बात कर रहे थे। आज भी हम उसी अक्रूड एक्सपेंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और मैंने कहा था एडजस्टमेंट समझने के लिए बुनियादी तौर पर एक बात समझना जरूरी है, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में रहते हुए हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी उसी टाइम फ्रेम में रहते हुए रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हमें शो करने हैं या प्रेजेंट करने हैं या मैच होते हुए दिखाने हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। देखिए, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, मैं फिर आपके सामने आप अपनी बात रखूंगा और मैं आपके सामने सवालात करूंगा कुछ। अगर आप मेरे सवालात के जवाब दे रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच रहा है। अगर आप मेरे सवालात के जवाब नहीं दे रहे होंगे तो मैं ये समझूंगा ये कॉन्सेप्ट आप तक नहीं पहुंच रहा। बेटा, मैंने ये बना दी टाइमलाइन। टाइमलाइन तो आपको याद होगी ना, टाइमलाइन तो हमने बहुत सारी बनाई है, फाइनेंस के टाइम पे बनाई है, बनाई है कि नहीं बनाई। इस टाइमलाइन के जरिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। बेटा, अकाउंटिंग पीरियड शुरू कहां से हो रहा है? फर्स्ट जनवरी से। अगर ये अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2018 से शुरू हो रहा है बेटा, तो इसके 12 महीने किधर पूरे होने हैं, जरा बताइए। इसके 12 महीने किधर पूरे होने हैं? मैंने क्या बोला, आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। 34 दिसंबर 2018। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ जाती है यहां तक? अच्छा, ये अकाउंटिंग पीरियड हो गया। इस अकाउंटिंग पीरियड का मिड कहां पर है? मिड, इस अकाउंटिंग पीरियड का मिड कहां पर है, दरमियान कहां पर आएगा? मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड आधा कहां पर होगा? 30 जून को या 1 जुलाई को? बात एक ही है, 30 जून का हूं या 1 जुलाई का हूं, एक ही बात है ना। फर्स्ट जुलाई 2018। अच्छा, फर्ज कीजिए 1 जुलाई 2018 को हमने लोन लिया, लोन ऑफ ₹1 मिलियन एट 10% पेबल एनुअली। ठीक है जी, हम एक तीर से दो शिकार करते हैं ना, आपका क्यूएमटी भी ले आते हैं ना इधर, और आपको उधर अकाउंटिंग भी सिखाते हैं। हाँ बेटा, लोन कब लिया, जरा जवाब दीजिए, लोन कब लिया? क्विक, हर बंदा रिस्पॉन्स कर दे, लोन कब लिया? 1 जुलाई को, करेक्ट। लोन लिया 1 जुलाई को, कितना प्रिंसिपल है लोन का, कितना है प्रिंसिपल लोन का? 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कितना है इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है, ऐसा ही है।
अच्छा, तो जब भी मैं किसी प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा, 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, 1 साल से कम का मिलेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको QMT में डिलीवर किए गए हैं। इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है? पर एनम होता है। तो अगर मैं 10 लाख रुपए को 10% से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। जवाब दें। तो अब बेटा दो अलग अलग बातें समझिएगा, एक है आपका अकाउंटिंग पीरियड और एक है आपका लोन एग्रीमेंट। अगर मैं लोन एग्रीमेंट के हिसाब से साल देखूं तो लोन एग्रीमेंट के हिसाब से साल कहां तक पूरा हो रहा है, लोन का साल कहां पूरा होगा आप मुझे बताइए। अगर लोन मैंने 1 जुलाई को लिया है, अगर मैंने लोन 1 जुलाई को लिया है 2018 को, तो लोन का साल पूरा कहां हो रहा है जरा बताइए आप मुझे। ठीक है बेटा, तो बताइए लोन का साल, लोन का साल शुरू हुआ है। फर्स्ट जुलाई 2018 से, और लोन का साल खत्म होगा कहां पर बेटा? थर्टीएथ जून 2019 पर। सही है, यहां तक की गुफ्तगू बेटा आप सबको समझ में आती है? आप मुझे बताइए अब एडजस्टमेंट क्या है, ये समझाना है आपको। एडजस्टमेंट क्या है? देखो हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो जनवरी से चलता हुआ आ रहा है ना, तो जनवरी का महीना गुजरा उसमें कोई लोन नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, जवाब दीजिए। फरवरी का महीना गुजरा उसमें कोई लोन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। मार्च का महीना गुजरा उसमें कोई लोन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। अप्रैल मई जून ये सब 6 महीने गुजर गए, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के बेटा 6 महीने गुजर गए, लेकिन ये जो शुरू वाले 6 महीने हैं इन 6 महीनों में क्योंकि कोई लोन नहीं है तो हम पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, यस और नो? लेकिन हमने लोन लिया अकाउंटिंग पीरियड के मिड में, तो जरा बताइए क्या इन 6 महीनों के दरमियान लोन एग्जिस्ट करता है? यस करता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो 6 महीने हैं इसमें लोन हमने लिया हुआ है, तो क्या हम पर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो गया? क्योंकि वक्त गुजार लिया हमने, 6 महीने का पीरियड गुजार लिया, क्या हम पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो गया? आप बताइए मुझे। अमान हुसैन अगर सब मौजूद है यहाँ पर, अब प्रॉब्लम क्या है? देखो एक होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिहाज से मुझे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट 1 साल पे करना है कहां पर? 30 जून 2019 पर। मतलब पेमेंट का एग्रीमेंट यह है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मई जून, ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट पे करना है एज पर एग्रीमेंट उस पॉइंट पर जहां पर लोन का साल पूरा होगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लोन का साल जहां पूरा होगा वहां पर मैं अगर पूरा इंटरेस्ट पे करता हूं और एक्सपेंस मानता हूं, तो प्रॉब्लम ये होगा जनाब कि उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट बिलोंग कर रहा होगा पिछले अकाउंटिंग पीरियड से, क्योंकि 30 जून 2019 जो डेट है वो फॉल करती है हमारे अगले अकाउंटिंग पीरियड में। करती है कि नहीं करती बताइए भाई। अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 है, हमारा टाइम फ्रेम, हमें अकाउंटिंग इस टाइम फ्रेम में रहते हुए करनी है, तो 30 जून 2019 जो डेट है वो कहाँ फॉल करती है? 30 जून 2019 जो डेट है वो कहाँ फॉल करेगी बेटा? अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करेगी ना। यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जिस जगह पर जाकर हमारा लोन का 1 साल पूरा हो रहा है उस जगह, 1 मिनट बेटा रुकिएगा सब लोग। जी जनाब, तो बात हमारी क्या हो रही थी बेटा कि दो बातें हैं इसके अंदर जो काबिले गौर हैं। वो बात ये है कि एक आपका लोन एग्रीमेंट का पीरियड है, लोन का साल पूरा होगा 30 जून 2019 पर। अगर आप पूरा इंटरेस्ट जो है वो 30 जून पे पे करेंगे, और पेमेंट इशू नहीं है, पेमेंट तो होगी वहीं पर ही, पेमेंट यहीं पर ही होगी, पेमेंट यहां पर होगी, पेमेंट यहां पर हो रही होगी सारी की सारी। ठीक है, ये पेमेंट वाला पॉइंट है, पेमेंट यहां पर हो रही होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन मसला यहां पर क्या आ रहा है, अगर मैं पेमेंट करते वक्त ही पूरे 1 साल के इंटरेस्ट को क्या मानूं, एक्सपेंस मानूं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा जरा सोचिएगा। इस बात को समझिए सब लोग बराए मेहरबानी, कि जब मैं 30 जून 2019 को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, और अगर मैं इस पूरे 1 लाख को 30 जून 2019 पे एक्सपेंस मान लेता हूं, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस 1 लाख रुपए के अंदर 50,000 रुपए वो हैं जो आधा आधा अमाउंट है ना, आधा अमाउंट बिलोंग्स टू प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। तो जो आधा अमाउंट है वो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, और अगर मैं उसको पेमेंट के वक्त एक्सपेंस मानूंगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो 2018 का नहीं, वो 2019 का एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब मुझे उसको ऐसा करने से रोकना है। मतलब एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ये है कि अगर कोई एक्सपेंस आप पर ड्यू हो चुका है और अब तक आपने उसको पे नहीं किया, तो पे ना होने की बिना पर अब तक कोई उसकी एंट्री नहीं बनी, वो एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अब आप क्या करें? हाँ, इसका मतलब क्या है, अब आप इस पॉइंट पे आ जाएं। कौन से पॉइंट पर आ जाएं? अब आप इस पॉइंट पे आ जाएं, मतलब आपने कहा कि भाई मैं, ये मेरा कट ऑफ पॉइंट है। क्या है, क्या बोलूंगा इसको मैं, कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट मतलब जहां पे मुझे रुकना है। लोन के 6 महीने गुजर चुके हैं, लोन के 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन लोन के 6 महीने गुजरने पर लोन का साल होने से पूरा, लोन के पीरियड का साल होने से पहले मेरा कट ऑफ पॉइंट आ रहा है। कट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मुझे अपने बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज रिपोर्ट करनी है। कट ऑफ पॉइंट वो है जहां पर मुझे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन देखनी है। तो मुझे तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन, मुझे तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन यहां देखनी है ना, क्योंकि ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये देखना है कि मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इस लोन का कितना हिस्सा फॉल करता है, इस लोन का कितना एक्टिविटी फॉल करता है, इस लोन का कितना इंटरेस्ट मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ड्यू हुआ है। तो जवाब बड़ा सिंपल है इसका, कि मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इस लोन का सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हुआ, ड्यू हुआ है। तो अपने आप से सवाल करें, क्या जो 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, क्या मैंने वो पे कर दिया है? नहीं पे किया। तो अब इसका मतलब क्या है, 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। इंटरेस्ट क्या है बाय नेचर, इंटरेस्ट बाय नेचर क्या है, जवाब दीजिएगा मुझे। इंटरेस्ट बाय नेचर क्या, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है लेकिन पे
नहीं हुआ तो ऐसे एक्सपेंस को तो क्या बोलते हैं बेटा, अक्रूड एक्सपेंस। क्या ख्याल है? ऐसे ही एक्सपेंस को तो क्या बोलते हैं? अक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। अब तवज्जो से बात समझेगा, जवाब दीजिएगा सब लोग। देखो बेटा, 1 जुलाई 2018, बताओ इस डेट पे कोई एंट्री बन रही होगी? बताओ 1 जुलाई 2018 पे कोई एंट्री बन रही होगी? लोन से रिलेटेड पैसा आया कि नहीं आया? आपके बिजनेस की जेब में रिसोर्सेज में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? यार अब रिस्पांस चाहिए मुझे आप सबका। पैसा आपके बिजनेस के रिसोर्सेज को मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? लोन नहीं आया। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, कैश आया। लोन नहीं आया, कैश आया। कैश कहां से आया? देखिए बुनियादें मत हिला दें बराए मेहरबानी। जो कॉन्सेप्ट डेवलप, सोर्सेज इक्वल टू रिसोर्सेज। देखिए आप लोग उसको, यानी आगे बढ़ते ही आपने बोला क्या कर दो, तबाह कर दो कॉन्सेप्ट सारे के साथ। ऐसा ना करें। क्या जनरेट हुआ? कैश जनरेट हुआ। कितना? 1 मिलियन। वो हमने फर्ज कर लें बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक डेबिट किया 1 मिलियन से। सवाल, कहां से आया ये 1 मिलियन? अकाउंटिंग सवाल और जवाब का नाम है ना यार, कितना आपको समझाया था। हाँ, तो इसके आने की सोर्स बतानी है ना। वो सोर्स क्या है? लोन। और वो लोन हम पर क्या है? लायबिलिटी है कि भाई ये जिस सोर्स से आया है कल उस सोर्स को वापस भी तो करना है ना। अगर वापस करना है तभी तो लायबिलिटी है। ये घर का मामला नहीं है, घर से बाहर का मामला है। अगर ये घर का मामला तो खैर होती, वापस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी बन जाता। लेकिन ये तो घर से बाहर का मामला है। ये तो जिसने ये पैसे दिए वो तो छोड़ने वाला नहीं है, वो तो एक पॉइंट पर आकर गरेबान पकड़ लेगा, बोलेगा लाओ पैसे निकालो। क्या ख्याल है? जवाब दीजिए। तो बैंक डेबिट हो गया, लोन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया कितने से? 1 मिलियन से। अब आप मुझे बताइए इंटरेस्ट ड्यू कैसे होता है? वक्त गुजरने पर होता है ना। इंटरेस्ट का ताल्लुक किससे है? टाइम से। इस लोन को लिए हुए जितना वक्त गुजरेगा, इस लोन को लिए हुए जितना वक्त गुजरेगा उतना इंटरेस्ट हम पर क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। तो आप सोचें 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड तक। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड इस एग्जाम्पल में ईयर एंड बताइए। नो, गलत जवाब। ईयर एंड यार आपका रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर। 30 जून तो अल्लाह के बंदो लोन का एक साल पूरा होगा। हमें लोन के एक साल पूरा होने से गर्ज नहीं है। आपका बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जहां पर एसओसीए बनेगी, एसएफपी बनेगी, वो क्या है? आप ये सोचो कि आपको एसओएफपी एसओसीए क्या बनानी है। बाबा सेमी एनुअली, अभी इसको उसमें मिक्स मत करो। 6 महीने का, अब मुझे सिर्फ सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्वेश्चन अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम होगा, मेरे क्वेश्चन के जवाब दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जिस डेट से लोन लिया गया है और जिस डेट पर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं, उस डेट तक आप पर कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? सबसे पूछ रहा हूं, 6 मंथ्स का पीरियड से पूछ रहा हूं, 6 मंथ्स का। अब वो इंटरेस्ट कितना है? 50,000। बहुत से बच्चों ने पहले लिख दिया माशाल्लाह, 50,000 है। अच्छा जी, अब आप अपने आप से एक और सवाल करें, क्या मैंने इस 50,000 इंटरेस्ट का 1 भी रुपया पे किया है? अगर पे कर चुका होता तो एंट्री भी बना चुका होता। देखो कॉन्सेप्ट जरा लिंक करो, अगर पे कर चुका होता तो एंट्री भी बना चुका होता, तो जितना पे किया होता उतना रिकॉर्ड किया होता। अगर फर्ज कर लें कि इसमें से 3 महीने का इंटरेस्ट पहले ही रिकॉर्ड हो चुका होता क्योंकि पहले से ही पेड होता, तो 3 महीने का कितना होता? 25,000। क्या ख्याल है भाई? साल का 1 लाख, 6 महीने का 50,000, 3 महीने का 25,000। वैल्यूज मैंने बहुत आसान रखी हैं।
ताकि आपका दिमाग, आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना, दिमाग इस्तेमाल करें बस खाली। तो अगर मैं ये बोलता कि 3 महीने का इंटरेस्ट मैं पहले ही पे कर चुका हूं, तो अगर मैं पे कर चुका होता तो मैं रिकॉर्ड कर चुका होता, यस और नो? अब आप सोचें, आपको दो बातें सोचनी है हमेशा, मुझ पर एक्सपेंस कितना ड्यू हुआ, जवाब दें। आप मुझे बताइए टोटल एक्सपेंस कितना ड्यू हुआ, सबसे पूछ रहा हूं, टोटल एक्सपेंस कितना ड्यू हुआ? 50,000 ड्यू हुआ ना बेटा, 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ ना 50,000। पहला सवाल अपने आप से करना है, 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ 50,000, इट मीन 50,000 जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बतौर व्हाट? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलेंगे ना उसको, तो एसओसीआई में मुझे कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाना है, सब दोबारा बता दें, एसओसीआई में मुझे कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाना है, 50,000 दिखाना है। सब कंफर्म होगा इस बात पर, सब मुत्तफिक होगा सब इस बात पर कि सर इस अकाउंटिंग पीरियड में मुझ पर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, मुझे एसओसीआई में 6 महीने का इंटरेस्ट दिखाना है, सही? अच्छा, लेकिन एसओसीआई बनाने के लिए आपके पास क्वेश्चन किस शक्ल में है? ट्रायल बैलेंस की शक्ल में। अब ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस उतना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा है जितना आपने पे किया है। अगर नो, 1,00,000 कैसे शो कर सकता है ट्रायल बैलेंस? 1,00,000 तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है। मैं ये तो बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस उतना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करेगा जितना आपने पे किया है। तो जरा बताइए क्या अब तक आपने 1 भी रुपया पे किया है? तो इस केस में ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना शो कर रहा होगा? 0। क्या ये बात समझ में आती है? ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस को उतना शो कर रहा होगा जितना आपने क्या किया होगा, पे किया होगा। ये बात अच्छी तरह क्या कर लें, ज़हन-नशीं कर लें। तो पहला सवाल, हमेशा एडजस्टमेंट बनाते वक्त अपने आप से दो सवाल करने, इस अकाउंटिंग पीरियड में मुझ पे टोटल एक्सपेंस कितना ड्यू है, और नंबर टू, मेरा ट्रायल बैलेंस कितना एक्सपेंस शो कर रहा है। नो मोर क्वेश्चन बेटा, अभी क्वेश्चन कोई नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए मुझे बस खाली। और ट्रायल बैलेंस हमेशा उतना शो करेगा जितना मैंने क्या किया, पे किया। तो अब ये सिचुएशन आपके सामने है, 50,000 का एक्सपेंस आप पर ड्यू हो चुका है, 50,000 आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए बतौर एक्सपेंस, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस शो नहीं कर रहा। क्यों शो नहीं कर रहा? इसलिए कि आपने इसमें से अब तक 1 रुपया भी पे नहीं किया, और एज पर एग्रीमेंट आप पूरा इंटरेस्ट कब पे करेंगे? जून पे जाकर, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट को मुझे अक्रूड एक्सपेंस मानना पड़ेगा, यानी ये पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, यानी मुझे इस पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट की बेटा क्या पास करनी होगी, एडजस्टमेंट, यस और नो? जवाब दें। तो मैं कहां पर आया, मैं आया 31 दिसंबर 2018 पर, और मैंने एंट्री पास की 1,00,000 करके। मैंने इसको कहां पहुंचाया, एसओसीआई में, कि मुझ पर इंटरेस्ट जो मेरा, जो मैंने 6 महीने का जो लोन, मुझे लोन लिए हुए 6 महीने का जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है वो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया 50,000 से। अब अगला सवाल, क्या ये 50,000 मैंने पे कर दिया है? नहीं पे किया, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट पेएबल। और इंटरेस्ट पेएबल मैंने कहां शो किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसका मतलब क्या है,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप दो लायबिलिटी शो हो रही होंगी, लोन शो हो रहा होगा 1 मिलियन से और इंटरेस्ट पेबल शो हो रहा होगा कितने से, 50,000 से। लोन बाय नेचर नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल जो है करंट लायबिलिटी, क्योंकि अगले अकाउंटिंग पीरियड में 30 जून को पे हो जाएगा। यस और नो, जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अब भी आपको अक्रूड एक्सपेंस समझ नहीं आ रहा? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए, अब 30 जून को इंटरेस्ट में पे करूंगा, मतलब पेमेंट की बारी भी तो आएगी ना, और वो पेमेंट कहां हो रही है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में हो रही है। यस और नो? वो पेमेंट कहाँ हो रही है बेटा? आप सब जवाब दीजिए। देखिए अब बात खत्म नहीं हुई, अभी बात उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। पेमेंट कहाँ हो रही है? नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में। कितनी कहाँ हो रही है? 30 जून पर। अब मेरा सवाल है 30 जून पर पेमेंट कितनी हो रही है? बेहतरीन, 1,00,000 रुपए। लेकिन इस 1,00,000 रुपए के अंदर 50,000 इंटरेस्ट है पिछले अकाउंटिंग पीरियड का और 50,000 इंटरेस्ट है इस अकाउंटिंग पीरियड का। यस और नो? 50,000 इंटरेस्ट है पिछले अकाउंटिंग पीरियड का और 50,000 इंटरेस्ट है इस अकाउंटिंग पीरियड का। तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस नहीं बन सकता। पिछले अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस नहीं बन सकता। मैं अभी 100,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? जो मैंने लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या क्रिएट की थी, लायबिलिटी, वो लायबिलिटी डेबिट कर दूंगा, लायबिलिटी सेटल कर दूंगा। मैं बोलूंगा इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट पेबल डेबिट 50,000 से, यानी मैंने 50,000 से लायबिलिटी सेटल की पिछले अकाउंटिंग पीरियड वाली, और इस 1,00,000 की पेमेंट में जो 50,000 है वो तो बिलोंग करते हैं इसी अकाउंटिंग पीरियड से, जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, मई, जून। जवाब दें, वो तो 2019 ही है ना बेटा, वो क्या है? वो इस साल का एक्सपेंस है। उसको एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया। जवाब दीजिए। यानी कि जो हमने ईयर एंड पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, तो उस लायबिलिटी को हमने सेटल उस वक्त के जिस वक्त हम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। वरना क्या होता बेटा? वरना ये होता कि अगर मैं पेमेंट के वक्त पूरा 1,00,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करता ना, अगर मैं एडजस्टमेंट पास ना करता लास्ट ईयर, और मैं पेमेंट करते वक्त 30 जून 2019 पर अगर मैं पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करता, तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट पिछले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बन जाता। बनता कि नहीं बनता, ये बात सोचने वाली है। तो एडजस्टमेंट
एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, एक उस एडजस्टमेंट के पीछे एक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। बिल्कुल, जो एक्सपेंस वक्त गुजरने की वजह से हम पर ड्यू हो चुका है उसको एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया, और उसको पे करने की लायबिलिटी क्या कर दी बेटा? क्रेडिट कर दी। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि सेम ईयर्स रेवेन्यू शुड बी मैच विथ सेम ईयर्स एक्सपेंस। समझे मेरी बात को या नहीं? जवाब दें। क्लियर बेटा? कोई सवाल हो तो पूछ लें अब इसके ऊपर आप। हाँ जी, जो वक्त गुजरने की वजह से आप पर एक्सपेंस ड्यू हो चुका, उस एक्सपेंस को डेबिट करके आप लायबिलिटी क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। आप ये रूल अप्लाई करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये रूल अप्लाई करें किसी और चीज के लिए, मतलब आपके अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्सपेंस आप पर ड्यू हो चुका है, आप क्या करें उसको डेबिट करके उसकी लायबिलिटी क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। तो वक्त के साथ साथ हम इसको मजीद क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, चीजें क्लियर होती रहेंगी लेकिन एक बुनियादी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलें, अब किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने से पहले हम मजीद कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, ठीक है जी? वो मजीद इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? इन चीजों को ज़हन में रखिएगा, वो मजीद इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं ये चीज ज़हन में रखिएगा आप लोग। चले, अब यहां पर हम मतलब यहां तक लास्ट क्लास और ये क्लास आपके सामने बुनियादी तौर पे वाजे हो गई कि हमने क्या कुछ सीखा। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग की टाइप्स हैं, पता है आप में से किसी को अकाउंटिंग की टाइप्स क्या क्या है, अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स है, और वो अकाउंटिंग की टाइप्स बिलोंग करती है हमारे इस कॉन्सेप्ट से जो हम सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, आप में से किसी को पता है अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स है? ओके जी, जवाब आया। कुछ लोगों के जवाब आना शुरू हो। चले, मैं बता रहा हूं, ऑब्वियसली मैंने तो बताना ही है ना। नाउ तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सेवन मेजर टाइप्स, माशाल्लाह। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छा जी। अब अकाउंटिंग की टाइप्स क्या है हमारे पास?
अभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या। बहरहाल